गाइस माय नेम इज हसन। आज मेरे साथ हॉट सीट पे बैठे हैं अतीक रहमान और स्लव गुरु। तो बहुत फैन फॉलोइंग है ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी में अतीक रहमान की। आज इनसे पूछते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर इनको ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी में हो गए हैं, तो इनसे पूछते हैं कि आज बात होगी डिफरेंट एस्पेक्ट की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे हैं आप? अलहमदिल्ला ठीक हूँ मैं। अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन है, आपको फर्स्ट सेमेस्टर हो गए हैं और आपको काफ़ी लोग ख्वाजा फरीद में जानते हैं। जी जी। सबसे पहले मेरा यही क्वेश्चन आपसे कि यहाँ पे ख्वाजा फरीद में एक ट्रेंड है, ये देखिए ना कि आम से कॉमन से लड़के हैं दो दो तीन तीन बंदे साथ एक बंगरे होते हैं, जबकि डैशिंग पर्सनैलिटी वाले सिंगल ही बंगरे होते हैं। इसकी क्या वजह है? इसकी ये वजह होती है कि जो आप देखिए अपनी पर्सनैलिटी देखिए, कॉमन लड़का जो होता है ना वो कोई यक होता है, ज़्यादा यक में वो ठरकी होता है ज़्यादा, वो चाहता है कि हमें उसके अंदर कोई कमी होती है, वो समझता है कि मतलब ज़्यादा ही लड़कियाँ, मतलब कि दो तीन लड़कियों को वो बैकअप बात करेगा। हाँ, वो फिर वो चाहता है कुछ मेरे बैकअप में हो, और पर्सनैलिटी वाला बंदा उसे पता होता है कि अगर मुझे एक दो लड़की ना ही मिली तो मैं मुझे कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी। सही बात है, जैसे आपकी पर्सनैलिटी है और जैसे आप हैं, तो इस तरह वो बंदा खुद लड़की को जाके नहीं करेगा, वो एहसास कम करीब वो नहीं जाके कहेगा कि मैं क्यों, वो लड़की मेरे पास आके जाए। तो ये रीजन है, हमारी ये रीजन होती है, ऐसे लोग सिंगल रहते हैं। हमारी ये रीजन होती है, वो ये चाहते नहीं है, हम उस समय कोई ठरकी नहीं मारते, वो खुद उनके पास जाते हैं, उनके नखरे उठाते हैं, उनको खाना पीना ये वो, उनकी हर बात मानते हैं, ये टाइम कहीं इस टाइम पे यूनिवर्सिटी आ जाते हैं। सही बात है। लेकिन हमसे ये इनके नखरे नहीं उठाए जाते, हम कहते हैं कि इक्वलिटी हो, बराबर का हो, लेकिन लड़कियां कहती हैं कि वो हमारे ऐसे लड़के चाहें जो हमारे पीछे मर रहे हैं, हमारे पीछे भागते रहे। सही बात है। अच्छा, ये तो होगी और आज यूनिवर्सिटी की, आप अपने डिपार्टमेंट के मतलब थोड़ा बहुत बताएं कि वहाँ का कैसा माहौल है गर्ल्स बॉयज़ का, उसके बारे में। वो गर्ल्स बॉयज़ का माहौल कुछ बॉयज़ माहौल क्या है, बॉयज़ जो हैं वो 15 टोटल बॉयज़ हैं। सही। 55-60 गर्ल्स हैं। सही बात। और हाफ समझ रही मैं, मतलब कि ये मैं बात करूँ कि हमारा डिपार्टमेंट न्यू बना है, लेकिन बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, फैकल्टी और हर चीज़ बहुत अच्छी है, एजुकेशन भी ठीक है। अच्छा,